भिंडा जिला अस्पताल से बड़ी खबर, डॉक्टर जगदीश प्रसाद इमरजेंसी के टाइम पेशेंट के साथ बहुत ही बदसलूकी के साथ पेश आते हैं तथा दवा मांगने पर उन्हें बदतमीजी के साथ भगा देते हैं। सवस्ती भिंडा जिला अस्पताल में इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर जगदीश प्रसाद जो बहुत ही बदतमीज से पेशेंट के साथ पेश आते हैं। जब कोई पेशेंट उनके पास ट्रीटमेंट के लिए आता है तो उनके साथ पहले बदतमीजी करते हैं, फिर उसके बाद दवा मांगने पर गाली भी दे देते हैं। आखिर जब एक डॉक्टर ही पेशेंट के साथ ऐसा बदसलूकी करेगा तो आज की दुनिया में पेशेंट डॉक्टर को भगवान का रूप मानने वाला डॉक्टर पर विश्वास खत्म हो जाएगा। एक डॉक्टर को पेशेंट का दर्द अपना दर्द समझकर उसका इलाज करना चाहिए, लेकिन जब व्यक्ति पेशेंट के रूप में होता है तो बहुत लाचार और बेबस होता है। लेकिन जगदीश प्रसाद जैसे डॉक्टर पेशेंट के साथ हमेशा बदतमीजी से पेश आते हैं। आखिर जिला अस्पताल में जगदीश प्रसाद जैसे डॉक्टर अगर रहेंगे तो पेशेंट डॉक्टर को भगवान का दर्जा देने से मुंह फेर लेगा। अब देखना यह है जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर जगदीश प्रसाद पर क्या कार्रवाई करते हैं तथा श्रावस्ती के जिलाधिकारी पेशेंट के साथ बदतमीजी करने वाले जगदीश प्रसाद जैसे डॉक्टर के साथ क्या कार्रवाई करते हैं। यूपी लाइव न्यूज से गुजो अहमद की स्पेशल रिपोर्ट। आपका शुभ नाम? जाओ मेरा नाम। अरे यार चलो तुम यहाँ मोबाइल लेके क्या चीज घूम रहे हो? मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रामकृष्ण वर्मा। ठीक है भैया, सीएमएस से बात करिए, कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट चार्ज रामकृष्ण वर्मा आए हैं, यहाँ पर जो है मलहम के जो है वो डिमांड कर रहे हैं, जिनको डिमांड नहीं हो रहा है, आप उनको जेटा सर से बात करिए, बात करिए उनसे। 97 और आप क्या कह रहे थे, कहाँ डिमांड करनी है? दे रहा हूँ जो है आप कहाँ कर रहे थे, कहाँ डिमांड करनी है इसके जो है मतलब दवा की? मेरे यहाँ दवा नहीं है, डिमांड करो हम मुख्यमंत्री के दारो हम। यहाँ आपके यहाँ पर अस्पताल में दवा नहीं है? नहीं है। आप यहाँ के क्या कहा जाता है? अरे भाई डॉक्टर है, मैं सीनियर डॉक्टर के यहाँ पर हूँ। आपका शुभ नाम? डॉक्टर जगदीश प्रसाद। डॉक्टर जगदीश प्रसाद, तो बाय द वे अगर कोई पेशेंट अगर आता है तो उसको टेबलेट पर टेबलेट दिखाई जाती है जो है हमारे पास? हाँ जो है वही दिया जाएगा। बोलो। ये टेबलेट सिर्फ दी जाती है? बाय द वे कोई पेशेंट अगर एक्सीडेंट होकर आता है तो सिर्फ टेबलेट से काम चला जाता है क्या? इंजेक्शन हमारे पास है, इमरजेंसी में इंजेक्शन दिया जाता है। और बाकी मलहम वगैरह? मलहम नहीं हमारे पास है। मलहम कोई नहीं? नहीं है, केवल मलहम पट्टी वाला है, दर्द वाला नहीं है। अच्छा, बाकी अगर कोई अगर पेशेंट को अगर चोट लग जाती है तो उसके लिए मलहम कोई उपलब्ध नहीं है आपके अस्पताल में? तो पेशेंट यानी कि ऐसे ही फिर जो है उसको तो फिर दर्द मिट ही नहीं पाएगा? मेरे भाई ऐसा है कि इंजेक्शन हम लोग लगवाते हैं, एंटीबायोटिक लगवाते हैं, एसी लगवाते हैं, पट्टी बनवाते हैं, उसके बाद अगर टैबलेट की बात आती है तो टैबलेट जो थोड़ा दिलवा देते हैं, देना हो तो कल ओपीडी जब मिलेगी मालूम। जैसे ओपीडी जैसे दर्द इतनी ज़्यादा है, मैं बता दूँ दर्द अगर इतनी ज़्यादा है तो ओपीडी के इंतजार कब तक करेगा पेशेंट? तो हमारे पास इंजेक्शन लगता है कि आपको टैबलेट से काम होगा, ये बताओ मलहम से काम हो जाएगा? जैसे भाई साहब इंजेक्शन अगर लगने की जगह हो तो इंजेक्शन लगाने की जो बात दूसरी है, लेकिन दर्द का इंजेक्शन लगता है और दर्द के इंजेक्शन से अगर कोई दर्द नहीं कम होता है तो मलहम से नहीं कम होता। नहीं आपके यहाँ पर मलहम है कि नहीं? मैं इतना चिंता यहाँ इमरजेंसी में नहीं है मतलब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो भी ले जाने के लिए आपका पट्टी होगा, मतलब हम ये चाह रहे हैं कि जो है कुछ हमें ऐसा दे, क्योंकि हमारे पेशेंट्स है वो रास्ते में आ रहे थे बाइक से गिर गए, हम नहीं कुछ दे पाएंगे। वही जो अभी आए हैं संडे है, ना कल। और सुना कि अभी आप जो है हर पेशेंट से मतलब पत्नी से थोड़ा बात करते हैं, ये चीज़ तो आपके लिए गलत है ना? अभी जो पेशेंट आया उसने बुखार का कहा बुखार है, तो आपने कहा कि हट यहाँ पे, ये चीज़ देखते तो कोई बदतमीजी नहीं हुई? आप पेशेंट के सामने, पेशेंट एक डॉक्टर भगवान के रूप होता है, लेकिन आप पेशेंट के साथ बदतमीजी से बात करते हैं? आदमी नहीं, हम तो बहुत कुछ समझते हैं, कोई हाथ नहीं ला रहा हमारे, मैंने संकल्प निकाले सब जो है।
मतलब पेशेंट से नॉर्मल तरीके पेशेंट जब दुख में होता है तो वो बहुत लाचार और बेबस होता है। हमको एक घंटा पहले उसको सुई लगी है ट्रामा डॉक्टर। हाँ दाना जो है बोलो तो वो दोबारा आपके पास अगर सहयोग के लिए आया तो उसको प्यार से बात कर दीजिए। ऐसे बात किए थे आप? मैं यहाँ बगल बैठा था। मैं परेशान हूँ जो है। अच्छा परेशान है तो आप मतलब किसी से किसी बात किसी प्रकार बात करें चलो। अरे कुछ नहीं होगा सर जी, कुछ नहीं होगा। हो गया।